अगर हमारे पैर के नाखून में दर्द हो रहा है तो हमें देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी डिटेल्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, जो हमारे जो है नाखून है यहाँ पर मिट्टी घुस गई है जो कि काफी दर्द होता है, तो हमारे दोनों पैर में इस तरह से है, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। किस तरह से इसे काटा जाता है ये भी मैं आपको दिखा देते हैं। इस तरफ देखिए बहुत ही काफी दर्द हो रहा है, कई दिनों से दर्द हो रहा है। देखिए ऐसे इसको पूरा काट देना है, जो भी मिट्टी भरा हुआ है जहां तक आपको दिखाई दे रहा है इसको हटा दीजिए। देखिए ये रहा मिट्टी वाला, ये मिट्टी हल्की हल्की जो भी है इसी कारण जो है आपके दर्द हो रहा है, ये पूरा जो है हटा देना है। अब बात आती है दूसरे पैर में, दूसरे पैर में देख लीजिए ये इतनी मिट्टी भर गई है, ये सब बहुत दर्द कर रहे हैं काफी समय से। तो इसको हमें किस तरह से साफ कर देना है देखिए। यहां से ये देखिए, ये देखिए ये मिट्टी है, यही जो है दर्द बनाता है हमारे जो भी होता है ना, इसी के कारण दर्द होता है। थोड़ा दोस्तों आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा, देखिए ये रही मिट्टी, ये जो दर्द बनाता है हमारे पैर में, देखिए यही मिट्टी होती है। यही मिट्टी पड़ी रहती है तो हमारे पैर में जो है बहुत तेजी से दर्द होता है और हम सह नहीं पाते और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें समझ भी नहीं पाते कि ये किस तरह से इसको ठीक किया जाए और हम परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या है, यही देखिए मिट्टी, देखिए किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। देखिए यही मिट्टी लंबे समय तक हमें दर्द में भर देता है। देखिए ये रहा, ये टोटल जो है मिट्टी है, देखिए देखिए ये मिट्टी बहुत जो है दर्द देती है, हमें जो है इसको साफ कर देना है। वैसे भी नाखून बड़े नहीं रखना चाहिए, और नाखून की जोन तोन होता है बात, लेकिन ये हमारे आता कहाँ से है। हम जो बारिश के सीजन में कीचड़ में जाते हैं वही मिट्टी इसमें घुस जाती है, फिर वही बाद में दर्द बन जाता है। देखिए यहाँ पर जो भी मिट्टी है बहुत हिसाब से करना है, नहीं तो ब्लेड तो चोंक होता ही है, लग भी सकता है। देखिए ये रहा, ये मिट्टी चपकी हुई है, देखिए ये देखिए ये जितनी भी हैं ये सारी मिट्टी हैं, यही हमारे जो है पैर में दर्द बनाकर रखती हैं। तो दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पूरी तरह से मिट्टी ये साफ हो चुकी है, अब ये दर्द नहीं करेगा, तुरंत दर्द खत्म हो गया है। जब तक हम इसको नहीं हटाएंगे, कुछ लोगों को होता रहता है दर्द लेकिन वो समझ नहीं पाते किस तरह हटाना है, तो जितनी भी मिट्टी वाली चीजें हैं उसे पूरी तरह से हटा दीजिए, फिर क्या है वो दर्द होगा ही नहीं। फिर देखिए पूरी इस तरह की मिट्टी साफ हो गया, इस तरह की मिट्टी साफ हो गया, देखिए यहाँ का भी साफ हो गया है, अब दर्द नहीं करेगा। दूसरे पैर का भी देख लेते हैं, ये रहा दूसरे पैर में भी, ये देखिए यहाँ पर है,
जो भी पत्ती से काटना भी है इसको थोड़ा देखना है हमें भी, थोड़ा हाथ में लग गया है, कोई बात नहीं, हल्का कट तो रहेगा ही। यहाँ पर देखिए ये रहा, इसको क्या हमें हटा देना, फिर क्या है पूरी तरह दर्द खत्म हो जाएगा।